डायनामाइट न्यूज पर लाइव हैं इस समय आचार्य गोविंद शास्त्री। कल मौनी अमावस्या है, इसका क्या महत्व है, इस विषय पर आप बताएंगे। भारतीय दर्शन में जो भी हिंदू धर्म का दर्शन है, भारतीय दर्शन, वह नक्षत्र, ग्रह, योग, करण आदि पर आधारित है। यह मौनी अमावस्या जिसको कहते हैं, जब माघ कृष्ण अमावस्या के दिन सूर्य जो है मकर में प्रवेश कर चुके होते हैं एक दिन पूर्व, तब यह मनाया जाता है। और संगम नगरी इलाहाबाद जो है वह गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का जो संगम है, इसीलिए त्रिवेणी कहा गया है। और इस पर्व पर स्नान करने से प्रत्यक्ष रूप में देखने में तो ज्ञान यज्ञ होता है। ज्ञान, कर्म और उपासना, यह त्रिवेणी, वास्तविक त्रिवेणी का नाम ये है। वह तो नदी जो कि पवित्र माने गए हैं, आपो ही प्राण, जल को प्रथम निर्माण भी ब्रह्मा जी का कहा गया है, और जल का स्नान ही अमावस्या मुख्य माना गया है। तो तीर्थ जो है, तीर्थ राज में इस मौनी अमावस्या को जो स्नान करता है, तो यह पुराणों में वर्णन है कि व्यक्ति को प्रत्यक्ष ज्ञान लाभ और व्यक्ति की आयु वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि, परिवार में सुख शांति आदि की प्राप्ति होती है। इसीलिए लोग जैसे ही माघ का महीना लगता है, कल्पवास के लिए तमाम दूर प्रदेशों से आकर के लाखों करोड़ों में लोग व्यक्ति आकर के कल्पवास करते हैं, वो एक उपासना है। लेकिन इस जो है मौनी अमावस्या को जो स्नान पर्व है, कहते हैं इस दिन स्नान करने से व्यक्ति के पिछले 3 जन्मों के पापों की निवृत्ति हो जाती है।